आपको स्टेडियम दिखाने वाले हैं, क्योंकि स्टेडियम का नाम अम्बेडकर स्टेडियम पड़ा है। और अम्बेडकर स्टेडियम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये भारत के प्रसिद्ध समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से जाना जाता है। और इस स्टेडियम का पहले नाम कॉर्पोरेशन स्टेडियम था, जो कि अब अम्बेडकर स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। और इस स्टेडियम की खास बात यह है कि बगल में मेट्रो स्टेशन आपको अवेलेबल मिलेगा यहाँ पर, और बगल में बस स्टैंड भी मिलेगा, अम्बेडकर स्टेडियम टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। और आइए हम आपको दिखाते हैं इसके अंदर की और विशेषताएँ इस स्टेडियम की, जो कि बहुत ही अच्छी हैं। इसमें अन्य जैसी प्रतियोगिता जैसे दिल्ली फुटबॉल लीग एंड DCMA कप और सुब्रतो कप और डूरंट कप एंड बहुत सी अन्य प्रतियोगिताएँ भी होती हैं। तो फिलहाल तो अभी सुब्रतो कप चल रहा है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कई पोस्टर बैनर वगैरह लगे पड़े हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं और हमको प्रतियोगिता होनी है यहाँ पर इस स्टेडियम में। देखिए कितना ही सुंदर स्टेडियम है ये, आप यहाँ पर जरूर आइएगा एक बार, देखिएगा स्टेडियम की यहाँ पर व्यवस्था की गई है, जो कि अभी अन्य प्रोग्राम भी होने हैं इसमें। तो फिलहाल तो अभी लेडीज का चल रहा है अभी फुटबॉल, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सुब्रतो कप का बैनर लगा हुआ है, ये देखिए। और यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं, गुब्बारे वगैरह लगाए गए हैं। तो फिलहाल तो लेडीज़ों का हो रहा है ये, आप देख सकते हैं। इसके बगल में ये अरुण जेटली स्टेडियम है, जो कि यहाँ पर भी विश्व कप का आयोजन किया गया है इस बार, तो हम वहाँ भी आपको दिखाएंगे ब्लॉग बना के। तो फिलहाल तो ये देखिए स्टेडियम, कितना ही सुंदर स्टेडियम है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर बैठने के लिए जो कि 15,000 दर्शक इसमें बैठ सकते हैं आराम से, 15,000 दर्शक क्षमता है इसमें, इस स्टेडियम में। देखिए कितना ही अच्छा लग रहा है, और आप इधर भी देख सकते हैं, यहाँ से आप एग्ज़िट भी कर सकते हैं, जो कि ये इधर मेन रोड पे जाता है। और इधर हम आपको दिखा रहे हैं दूसरी तरफ का, ये देखिए कितना ही सुंदर स्टेडियम है, घास इसकी हरी भरी। ये देखिए यहाँ पर साफ सफाई है, जो कि यहाँ पर, और आपको हम उधर से भी दिखाते हैं आपको ले चल के। ये अरुण जेटली स्टेडियम है, जो कि जस्ट बगल में ही है। ये देखिए, और इसी तरह और शाम को भी प्रोग्राम होगा यहाँ पर, तो मैं शाम को भी आपको वीडियो बनाकर बताऊँगा, दिखाऊँगा आपको, ठीक है? देख लीजिए।